सो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मोटोरोला के H15 प्रो 5G फोन के बारे में एंड इसके अपने टॉपिक का नाम है गाइस, क्या अपने फोन में नेट स्पीड इंडिकेटर कैसे ऑन करेंगे मैं आपको किस वीडियो में बताऊंगा। अगर गाइस आपके भी फोन के स्टेटस बार में नेट स्पीड इंडिकेटर गाइस बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, देन आप अपने फोन में KBPS एंड MBPS की स्पीड नहीं देख पा रहे हैं, तो गाइस आप उसको कैसे ऑन करेंगे जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं गाइस अपने फोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। इसके लिए गाइज आपको अपने फ़ोन के सबसे पहले प्ले स्टोर को ऑन करना है, देन आपको गाइज यहाँ पे देखिए सर्च कर लेना है नेट स्पीड इंडिकेटर। यहाँ पे जैसे गाइज मैंने यहाँ पे कर लिया है, देन मैंने अपने फ़ोन में इस ऐप को अनइंस्टॉल कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ से देखिए इस प्रकार से ऑन कर लूँगा। तो गाइज आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इंटरफेस होगा, देन आपको यहाँ पे सबसे पहले अलाउ करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे गाइज मैंने अपने फ़ोन में इसको ऑन कर लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखिए अपने फ़ोन के स्टेटस बार में नेट स्पीड इंडिकेटर शो हो जाएगा। देखिए आप आपको मेरे फ़ोन के गाइस स्टेटस बार में स्पीड से इंडिकेटर शो हो रहा है, तो आप इस प्रकार से सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। देन गाइस अगर आप अपने फ़ोन की सेटिंग में ढूंढते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है नेट स्पीड इंडिकेटर का ऑप्शन, तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप इस प्रकार से ऑन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले बाय।